इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। शुक्रवार को डीएम कार्यालय में किसानों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह ने किया। किसानों की कुछ मांगे थी जिन पर सरकार लंबे समय से ध्यान नहीं दे रही थी। किसानों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार करनावल, छात्र सभा। बात आज जो हम कलेक्ट्रेट में आए हैं, किसानों का उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार शोषण कर रही है। आज तक ना तो ये पता चल रहा है कि किसान आयोग क्या है किसानों को। दूसरी बात, जब सत्ता पाने के लिए इन्होंने चुनाव घोषणा करी थी कि हम 2 गुनी आय करेंगे 10 गुनी आय करेंगे, वो नहीं हो पाया। आजकल भारत के किसानों की सबसे बड़ी एक विडंबना, एक सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु। आज तक आवारा पशु गाय गौशाला खुली हुई है और गौशाला में गाय है नहीं, और गांव-गांव ये ढोल पीटा जा रहा है कि आवारा पशुओं को हमने गौवंश को गौशाला में रखा गया है। इससे किसानों की सबसे ज़्यादा जो नई फसल है, जो पैदा होने से पहले ही आवारा पशु खा रहे हैं। दूसरी है गन्ने का मूल्य। आज तक गन्ने का मूल्य कहीं किसी भाव आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ। सरकारें कह रही है कि 14 दिन में भुगतान हो जाएगा, 6 महीने हो गए मील बंद हुए तक भी, तो आज तक भी भुगतान नहीं हुआ, तो इसलिए हम आज धरने में बैठे हैं। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, जिला अध्यक्ष मेरठ जी। तो किस तरह की मांगों के लिए ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है? दरअसल आज का जो प्रोग्राम हमारा प्रदेशव्यापी प्रोग्राम है, इसमें हमने जो सरकार को सोई हुई सरकार को जगाने के लिए काम कर रहे हैं कि एक जो विकासशील देशों के साथ जो 4 तारीख को समझौता होने वाला है, इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट भूल चुकी है। उसे तो अपने सत्ता का नशा है, एक पैसे का नशा होता है, एक सत्ता का नशा होता है। हमारी गवर्नमेंट को सत्ता का नशा हो चुका है, जो ये आगामी अच्छा संकेत नहीं मिल पा रहा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आपके जो भी हैं, तो वो ये है कि ये विकासशील देशों से जो IPC के संगठन है, व्यापार मुक्त जो है, उसके लिए जो ये समझौता करने जा रहे हैं, उसमें यह कि 20 रुपये लीटर हमारे यहाँ दूध का आयात होगा विदेशों से। जब 20 रुपये लीटर दूध का आयात होगा तो 45-40 रुपये कौन किसानों का दूध ले लेगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा है ये कि एक इन्होंने एक समझौता और करने जा रहे हैं ये विकासशील देश, तो वहाँ से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आएंगी, किसानों के जो खेत हैं, जमीन है, वो किराए पे लेंगी, बड़े बड़े फार्म बन जाएंगे और उनको मात्र 8-10 हज़ार रुपये बीघा देंगे और 30 साल का उनका कगार होगा। उसके तहत किसान बहुत ही बर्बाद हो जाएगा, बीज खाद सब उन लोगों से लेंगे। किसानों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही एक महिला सुनीता चौधरी अपने किसी निजी कार्यालय से डीएम कार्यालय पर आई, जो कि दिल्ली में ऑटो चालक है। कार्यालय में किसानों को प्रदर्शन करता देख उनसे रहा नहीं गया, इसलिए किसानों की आवाज बनकर वह भी किसानों के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हो गई। आइए बात करते हैं उस महिला से, उनका क्या कहना है इस मसले पर। पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कि किसानों का साथ देने के लिए दिल्ली से चलकर एक महिला पहुंची है। धरना प्रदर्शन किसान कर रहे थे, ये यहाँ अपने किसी काम से आई थी, लेकिन किसानों का धरना प्रदर्शन देखकर ये यहाँ पर रुकी और इन्होंने साथ देने का निश्चय किया इनका। आइए जानते हैं इनके किस तरह के विचार हैं, क्या इनकी भावनाएँ हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता चौधरी है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने देखा, मैं यहाँ पर किसी कार्य से आई हुई थी, तो यहाँ किसान साथी लोग अपने बैठे हुए हैं, तो मैं अपना काम जो है वो भूल गई, क्योंकि हमारे जो किसान हैं ये यहाँ पर धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, जो एक दूध का जो वहाँ पे जो दूध के लिए और जो सेब के लिए वहाँ पे जो विदेशों में, जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील से जो दूध है वो कह रहे हैं वहाँ से दूध मंगाया जाएगा, जो यहाँ की सरकार है वो 20 रुपये KG यहाँ पर दिया जाएगा। और जो सेब है, जो सेब का जो समझौता किया वो चीन से किया कि चीन से सेब आएगा तो वो भी 20 रुपये KG यहाँ पे बिकेगा। इससे जो उत्पाद है जो यहाँ पे पैदा होता है, तो इससे तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसलिए नुकसान होगा जब ये सरकार यहाँ की, जबकि हमारे यहाँ भी बगान है,
हमारे यहाँ भी मतलब सेब का भी है, आम का भी है, हर तरह का पैदावार यहाँ होता है, इस हिंदुस्तान में होता है, तो उसमें पाकिस्तान मंगाने की क्या ज़रूरत है? कहाँ ब्राज़ील है और कहाँ मतलब वहाँ से चीन से ये यहाँ मंगाएंगे? तो इससे तो हमारे किसानों को जो ना बहुत भारी नुकसान होगा। तो सरकार को चाहिए कि जो यहाँ भी किसानों का जो पैदा होता है कि यहाँ से ही ख़रीदा जाए, और इससे तो जो किसान लोग वो भैंसें भी रखनी बंद कर देंगे, फिर तो भैंसें भी जैसे आज गांव माता है वो ऐसे ही घूमती है, तो इसी तरह जो है ना उनके लिए भी कोई साधन नहीं किया। सरकार कहती थी कि इनको जो है ना 2 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा जो गाय का पालन करेगा, लेकिन ये काम सब ये जो मांगे थी अधूरे कागजातों में ही रही। आज तक किसी किसान से पूछो क्या गाय के लिए चारे का कोई उसका वो दिया जाता है? पहले कहा था 100 रुपया दिया जाएगा प्रत्येक रोज एक एक गाय की खुराक दी जाएगी। वो ये किसान साथी लोग मेरे बैठे हुए हैं, इनसे पूछो क्या किसी को 100 रुपया मिलता है जिसके यहाँ गाय है? किसी को नहीं मिलता है। तो इसी तरह जो भैंस है हमारी, तो फिर भैंस रखने भी सब बंद कर देंगे, जो किसानों की जो पहचान है ना वो एक खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सरकार से हमारा आपके माध्यम से यही आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, जो निर्यात है जो बाहर से ना मंगा के वो यहाँ से ही किया जाए। तो सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, हमारे किसानों के हित की बात रखे और किसान आयोग का गठन करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर से जुड़ी और भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट बाइट टीवी।